स्टूडेंट्स, आज हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, क्षतिपूर्ति अनुबंध और प्रत्याभूति के अनुबंध, गारंटी के अनुबंध। क्षतिपूर्ति अनुबंध क्या होते हैं और गारंटी के अनुबंध या प्रत्याभूति के अनुबंध क्या होते हैं? आपको इस बात का पता है कि एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को किसी स्पेसिफाइड कारण की वजह से स्पेसिफाइड अवधि में कोई नुकसान होने पर उसकी क्षति की पूर्ति करने का वचन देता है तो उसे हम क्षतिपूर्ति अनुबंध कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट, सामान्य बीमा के अनुबंध है। सामान्य बीमा में क्या होता है कि बीमा कंपनी जिस वस्तु का आपने बीमा कराया है उस वस्तु का अगर विशिष्ट कारण से, जिस कारण का उसने बीमा किया है, आग का बीमा किया तो आग से, चोरी का बीमा किया तो चोरी से, जिस जोखिम का उसने बीमा किया उस जोखिम से अगर एक वर्ष में उस वस्तु को कोई नुकसान कारित होता है तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्षति की पूर्ति करेगी, नुकसान की पूर्ति करेगी। तो क्षतिपूर्ति अनुबंध में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को क्षति से होने कोई एक निश्चित पीरियड में कोई क्षति या नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने का वचन देता है तो इसे हम क्षतिपूर्ति अनुबंध कहते हैं। सामान्यतः क्षतिपूर्ति अनुबंध के अंदर बीमा, सामान्य बीमा के अनुबंध भी आते हैं, जनरल इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट भी आते हैं और जनरल इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें दो पक्षकार होते हैं, एक तो होता है इंडेमनिफायर या क्षतिपूर्तिकर्ता यानी क्षतिपूर्ति करने वाला पक्षकार, जैसे बीमा कंपनी होती है क्षतिपूर्ति करने वाली, और दूसरा पक्ष होता है इंडेमनिटी होल्डर या क्षतिपूर्ति प्राप्ति करने वाला पक्षकार। जिसको क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति प्राप्त करने वाला पक्षकार होता है, उसको इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं। तो क्षतिपूर्ति अनुबंध केवल क्षति की पूर्ति करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, इसमें भी अन्य समस्त अनुबंध की सारी विशेषताएं होती है, लेकिन इनका पर्पज किसी नुकसान की भरपाई करने के लिए अनुबंध करना होता है और नुकसान की भरपाई करने के अंदर अनुबंध जो मोस्ट प्रोबेबली होते हैं वो सामान्य बीमा के अनुबंध इसमें शामिल होते हैं। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124 से 147 तक इस तरह के अनुबंधों का प्रावधान अंकित है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, उसके खुद की वजह से या किसी अन्य वजह से कोई नुकसानकारी तो होता है तो इसी स्थिति में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को नुकसान की भरपाई करने का वचन देता है। जैसे आपने गाड़ी का बीमा कराया, अब गाड़ी का चोरी का बीमा कराया आपने, उसका आग का बीमा कराया, एक्सीडेंट का बीमा कराया, एक्सीडेंट आपके 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 हाथ से हो गया तो भी इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान की भरपाई करेगी, इसे हम क्षतिपूर्ति अनुबंध कहते हैं। सामान्य बीमा के अनुबंध इसमें शामिल होते हैं। दूसरे अनुबंध होते हैं प्रत्याभूति अनुबंध या गारंटी के अनुबंध। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की गारंटी देता है और दूसरे पक्षकार को, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार और तीसरे पक्षकार से अगर डीलिंग करता है और अगर उससे दूसरे पक्षकार को नुकसान होता है तो उसकी नुकसान की भरपाई करने का वचन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति की गारंटी दी, उसने सी बैंक से कोई कर्ज लिया, अब अगर बैंक का कर्ज बी नहीं चुका पाता है तो इस ए उसकी भरपाई करेगा। ये गारंटी के अनुबंध होते हैं, ये गारंटी के अनुबंध होते हैं और गारंटी के अनुबंध में एक तरह से ट्राई पार्टिट होता है, तीन पक्षकार होते हैं, एक व्यक्ति वो जिसकी गारंटी दी जाती है, एक व्यक्ति वो जो गारंटी देता है, एक व्यक्ति वो जो गारंटी रिसीव करता है। तो त्रिपक्षीय संबंध होते हैं, प्रत्याभूति अनुबंध होते हैं। जैसे एक ए व्यक्ति ने कहा बी से कि आप सी को माल बेच दीजिए, उसने सी को माल बेच दिया, पैसे नहीं आएंगे तो मेरी गारंटी है, तो अगर सी भुगतान नहीं देता है तो ए ने गारंटी दी है बी को, तो बी ए से पेमेंट प्राप्त कर सकता है। तो गारंटी के अनुबंध जो होते हैं वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 124 से 147 सेक्शन के अंदर वर्णित हैं और गारंटी के अनुबंध भी इसी की सीमा के अंतर्गत आते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह कि क्षतिपूर्ति अनुबंध के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती है, क्षतिपूर्ति अनुबंध स्पष्ट रूप से भी हो सकते हैं या गर्भित रूप से भी होते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं या
एक्सप्रेस भी हो सकते हैं। और इसमें नुकसान की भरपाई का एक महत्वपूर्ण क्लॉज होता है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को नुकसान की भरपाई करता है, कंपनसेशन ऑफ लॉस करता है, और अनुबंध की सारी विशेषताएं इसके अंतर्गत पाई जाती है। एक तीसरी कैटेगरी में जो अनुबंध आता है वह आता है अर्ध अनुबंध, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं कि एक पक्ष और दूसरे पक्ष के प्रस्ताव रखे, स्वीकृति हो, अनुबंध करने की योग्यता हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि ये परिस्थितियों की वजह से कानून द्वारा लागू किए जाते हैं, कानून द्वारा लागू किए जाते हैं, परिस्थितियों की वजह से कानून द्वारा लागू किए जाते हैं, उनको हम अर्ध अनुबंध कहते हैं। इम्पोज बाय लॉ है ना, क्रिएटेड बाय द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पैदा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, उसका बेटा वाई है, वाई ने एक्स के मकान को पुताई के लिए किसी जेड को कहा, जेड ने मकान की पुताई कर दी, मकान एक्स का है। अब जेड उसकी पुताई कर रहा है, पुताई करने के दौरान एक्स ने वो देखता भी रहा कि उसके मकान की पुताई हो रहा है, उसको स्वीकार भी करता रहा। अब जेड ने मकान की पुताई के बाद एक्स से पैसे मांगा, तो वो पैसा देने से मना नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसकी सेवाएं साइलेंटली स्वीकार की है। तो इस अनुबंध में न तो एक्स ने जेड के सामने पुताई का कोई प्रस्ताव रखा था, न उसको स्वीकृति देती, लेकिन उसको अप्रत्यक्ष रूप में साइलेंटली सेवाओं को स्वीकार करना अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करता है। और न्याय का सिद्धांत एक यह है, इक्विटी, समता का सिद्धांत लागू होता है कि एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से अनरीजनेबल तरीके से फायदा उठाने की परमिशन नहीं दी जा सकती। तो ऐसी स्थिति में जेड एक्स से भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तो यह इंपोज्ड बाय लॉ है, यह क्या है, कानून के द्वारा लागू किया गया है, न कि एक्स ने किसी जेड के सामने प्रस्ताव रखा था, न जेड के सामने कोई स्वीकृति दी थी, लेकिन उसको सेवाओं को साइलेंटली स्वीकार करने के उपरांत जेड उनका भुगतान एक्स से प्राप्त करने का अधिकारी होता है। उसी तरह जिस तरह से किसी व्यक्ति का माल खो जाता है, और खोने जिसका माल खोया है उसका खोने के पश्चात जिसको माल मिला है वो व्यक्ति उस ओरिजिनल ओनर को ढूंढने के लिए मान लीजिए मेहनत करता है, पैसा खर्च करता है, ओरिजिनल डोनर को माल लौटाता है, तो उसको ढूंढने के अंदर जो पैसा खर्च हुआ है वो पैसा चाहे तो ढूंढने वाला पाने वाले से वसूल कर सकता है। तो इट इज इम्पोज बाय लॉ, इसका सामान्य प्रिंसिपल ये है कि किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी लागत पर अनुचित फायदा उठाने की परमिशन नहीं दी जा सकती। इसको हम अर्ध अनुबंध कहते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वन शुड नॉट बी अलाउड टू अनजस्टली एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंसेज ऑफ एनदर। तो तीन बातें मैंने स्पष्ट की, प्रत्याभूति का अनुबंध, क्षतिपूर्ति अनुबंध, और एक अनुबंध बताया आपने अर्ध अनुबंध। थैंक यू।